एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में कुछ की नोट्स हम बताने जा रहे हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान से, पहले भी हम रिवीजन करा चुके हैं लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग का आता है गुडविल। तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा ओल्ड गुडविल है और कौन सा न्यू गुडविल है। तो देखिए, जो बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिया रहेगा, उसको बोला जाता है गुडविल पहले से फर्म का बुक में है। तो उस गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में रिटेन ऑफ कर देते हैं। एडमिशन होने से पहले उसको क्या करते हैं, हम लोग रिटेन ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में। मतलब उस गुडविल का अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे जानेंगे कि हम लोग का ओल्ड गुडविल है? तो या तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिया रहेगा, या लिखा रहेगा गुडविल पहले से इतना रुपया है, मतलब कुछ भी दिया रहेगा। अपीयर्ड वर्ड इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा कि गुडविल अपीयर्ड इन द ओल्ड बुक रुपीज 10,000, 15,000, जो भी रहेगा उसको क्या करना, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देना है। इसका जर्नल एंट्री होगा गुडविल, ठीक है। इसका हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा, गुडविल का, जो ओल्ड गुडविल का जर्नल एंट्री है, इसमें ओल्ड गुडविल का हम लोग का जर्नल एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। एक चीज़ यहाँ और ध्यान देना है कि इसमें हम लोग जो रेशियो में बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। अगर नहीं दिया हुआ रेशियो तो इक्वल। तो इसमें यही चीज़ हम लिख दें कि इसे हमेशा ओल्ड रेशियो में बांट कर कैपिटल अकाउंट का टू साइड में, मतलब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में बनता है उसको टू साइड में हम लोग दिखाएंगे ओल्ड रेशियो में। जो ओल्ड रेशियो रहेगा ना, ओल्ड रेशियो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर एडमिशन, ऑफ ए न्यू पार्टनर जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें अब गुडविल को दोबारा नहीं दिखाएंगे, उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये हम लोग का वर्कमैन का कंपनसेशन, मतलब अगर वर्कमैन मतलब लेबर के लिए कंपनसेशन फंड बना के रखता है फर्म कि अगर कभी कोई इंजरी हो गया या कुछ हो गया तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, उसका कंपनसेशन करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें दो बातें हो सकती है कि अगर पहले से हम लोग का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसमें अगर पहले से बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में फंड है तो लाइबिलिटी साइड में ही होगा। अगर पहले से हम लोग का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसमें, तो इसको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में हम लोग को बांट देना है ओल्ड रेशियो में। सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन फंड है अगर तो, और एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अंदर में वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और हम लोग एडमिशन का अगर क्वेश्चन बना रहे हैं, और बैलेंस शीट में, सिर्फ बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में अगर हम लोग का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है तो इसको कैपिटल अकाउंट का बाई साइड में बांट के, मतलब क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का वर्कमैन कंपनसेशन फंड लाइबिलिटी साइड भी दिया रहता है, ठीक है, नीचे में लिखा रहता है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड रुपीज 10,000, 1,000। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कि बैलेंस शीट में जितना है, ठीक है, बैलेंस शीट में हम लोग का जितना भी है, अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिए हैं कि बैलेंस शीट में हम लोग का 15,000 है, ठीक है, और क्लेम आया हम लोग का 5,000, ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, ये बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा। तो जितना का क्लेम आएगा, वो न्यू बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड लिख देना है, और जो बच गया शेष, जो बैलेंस बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। जो हम लोग का बैलेंस बच जाएगा, जैसे 15,000 हम लोग का था, 5,000 का क्लेम आया, इसका मतलब 5,000 हम लोग को पेमेंट करना है। अब किसी का इंजरी हो गया या कुछ हो गया तो हम लोग को पेमेंट करना है, फिर भी तो हम लोग के पास बैलेंस कितना बचा, 10,000। तो उसको जितना बैलेंस बचेगा उसको कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना के बांट देंगे। और एक चीज़ और ध्यान देना है इसमें क्या, कि हमेशा इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन में अगर हम लोग का वर्कमैन कंपनसेशन फंड आता है तो देखना है कि अगर बैलेंस शीट में सिर्फ है तो डायरेक्ट उसको
कैपिटल अकाउंट का बाई साइड में डिवाइड कर देना ओल्ड रेशियो में। अगर क्लेम वाला क्वेश्चन है कि अंदर में भी दिया है बाहर में भी अगर एडजस्टमेंट में दिया है कि इतना रुपये का क्लेम है, तो जितना का क्लेम है वो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड जाएगा, जो बच गया वो कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीसरा टॉपिक हम लोग का आता है थोड़ा सा कि हम लोग का कभी कभी एडजस्टमेंट में क्या दिया रहता है कि क्रिएट या डैमेज क्लेम हम लोग का अचानक आ गया, जिसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, जिसको क्या बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, डैमेज क्लेम, एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, अगर ये सब कुछ आ गया एडजस्टमेंट में दिया है तो ये हमेशा रिवेल्यूशन अकाउंट का टू साइड में जाएगा, ये हमेशा रिवेल्यूशन अकाउंट का टू साइड में जाएगा। और सेकेंड, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है तो ये दोबारा हम लोग क्या करेंगे, दोबारा हम लोग रिवेल्यूशन अकाउंट का किधर लिखेंगे, रिवेल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड तो लिख चुके हैं, और दोबारा हम लोग इसको बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड लिखेंगे क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है। उसके बाद क्या है कि वैल्यूलेस, कभी ज़्यादा हम लोग का क्या था पेटेंट आर वैल्यूलेस एडजस्टमेंट में दिया रहता है, इसका वैल्यूलेस मतलब क्या था, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं रहा, पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया, तो इसको बोला जाता है वैल्यूलेस। अगर ऐसा क्वेश्चन में रहता है तो रिवेल्यूशन अकाउंट का टू साइड में पूरा का पूरा लॉस को ट्रांसफर कर देंगे और फिर नया बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें पेटेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एसेट्स अगर ऐसा रहेगा तो लिखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग ये बार बार हम लोग इसमें ज़्यादा हम लोग उलझ जाते हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जो मतलब पहले से हम लोग रिजर्व करके प्रॉफिट रखते हैं उसको क्या बोला जाता है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। तो जैसे रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड या बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड, सब जो चीज़ हम लोग का दिया है ना, जैसे जनरल रिजर्व पीएल का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड, एनी फंड, ये सब हमेशा लाइबिलिटी साइड दिया हुआ रहेगा और इसको बोला जाता है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। ये हमेशा हम लोग कैपिटल अकाउंट का क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में बांट के ओल्ड रेशियो में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बांट के ओल्ड रेशियो में लिख देंगे। एक हम लोग पीएल का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में हमेशा आके रुक जाते हैं। पीएल का डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस, ये बैलेंस शीट का हमेशा एसेट साइड में दिया रहेगा, ये हमेशा किस साइड में दिया रहेगा, एसेट साइड में। और बैलेंस शीट पीएल का क्रेडिट जो बैलेंस होता है इसको बोला जाता है प्रॉफिट, ये हमेशा हम लोग का लाइबिलिटी साइड दिया रहेगा। तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा कोशिश था कि थोड़ा सा रिवीजन कर दिया जाए, इसमें सब कुछ तो नहीं है लेकिन की नोट्स जैसा है, तो आप लोग इसको पढ़िए और अच्छा देखिएगा, पढ़ के कुछ तो ज़रूर हेल्प मिलेगा इससे, तो ध्यान लगा के पढ़िए और रिवीजन कीजिए, तभी कुछ अच्छा से हम लोग का एग्ज़ाम जाएगा। और टेस्ट जब भी हम लेते हैं तो दिया कीजिए, उससे क्या होगा कि टेस्ट में जो भी स्कोर आप करते हैं, जो भी मार्क्स आता है उससे वो तो आएगा ही, उससे हम लोग का क्या होगा कि हम लोग को प्रिपरेशन करने में, एग्ज़ाम में हम लोग कहाँ जाके रुकेंगे, कहाँ जाके फंसेंगे, कहाँ किस चीज़ में हम लोग का दिक्कत आ रहा है, ये सब हम लोग को टेस्ट देने से मालूम पड़ता है। और जो एग्ज़ाम हॉल में जो डर लगता है वो डर भी हम लोग का क्या होता है, ख़त्म हो जाता है टेस्ट देने से। तो आप लोग ज़रूर मंगलवार को टेस्ट दीजिएगा, आप लोग का टेस्ट भी है, ठीक है, थैंक यू।